एक एक लाइन बागौर सुनिएगा। कई बरस के बाद आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, तवज्जो चाहूंगा। महायुग कस्बा भानुपुर था दही इलाके में, बला की मुफलिसी रहती थी उस छोटे से खिते में। महारमजान राम नाम के दो शख्स रहते थे, बड़ी मुश्किल से वो अपनी गुजर औकात करते थे। बहुत था मिलून की बीवियों में साथ रहती थी, कोई भी काम हो मिलजुल के वो एक साथ करती थी। छह साल की राम की लड़की नाम सोना था, करीबी इस कदर थी परवरिश का उसकी रोना था। इधर रमजान का भी एक लड़का 9 बरस का था, उसका नाम शानू परवरिश का बोझ तू भर था। जो लकड़ी जंगलों से काट के रमजान लाता था, उसे बाजार ले जा करके राम बेचवाता था। वो पैसे दोनों आपस में बराबर बांट लेते थे, उन्हीं पैसों से वो अपनी गुजर औकात करते थे। शहर के लोग जो बच्चों का कारोबार करते थे, वो बच्चों को लिए कस्बे से अक्सर आ गुजरते थे। अचानक एक दिन राम से भी टकराए व्यापारी, उधर रमजान के भी घर पे कुछ आए थे व्यापारी। इधर राम ने सौदा कर लिया मासूम सोना का, उधर रमजान ने भी लाडले शानू को बेचा था। खरीदारों की जब टोली चली थी हाय कस्बे से, लिपट कर सारे बच्चे रो रहे थे अपनी माओ से।
दूसरा वन समाप्त फरमाए। वो रो कर कहती थी सोना पिताजी मुझको मत बेचो, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ पिताजी मुझको मत बेचो, कोई जिद करूंगी तुमको मैं अपना सताऊंगी, रहूंगी भूखी प्यासी भी मगर लब ना हिलाऊंगी, बिना माता पिता के मैं अकेली रह ना पाऊंगी, बहुत छोटी हूँ बाबा कैसे खाऊंगी ना हाऊंगी, कहूंगी किसको मैं माता पिता इतना बता दीजिए, तुम्हारे जोड़ती हूँ हाथ बाबा मत जुदा दीजिए, उधर शान भी माँ की गोद में रोता तड़पता था, खुशामद करके रोकर बापू से वो अपने कहता था, मेरे बाबा मुझे मत बेचिए मैं काम आऊंगा, तुम्हारे साथ में भी लकड़ियां जंगल में काटूंगा, पहनूंगा फटे कपड़े मगर लब ना हिलाऊंगा, मैं अब इस स्कूल में पढ़ने की खातिर भी न जाऊंगा, बहुत छोटा हूँ बाबा मुझको मत माँ से जुदा कीजिए, बिछड़ कर आपसे कैसे रहूंगा ये बता दीजिए, ये पैसे कर दो वापस आपका मैं काम कर दूंगा, किताबें बेच कर अपनी तुम्हें वापस मैं कर दूंगा, बहुत छोटा हूँ बाबा मुझको मत माँ से किया कीजिए, सुनी शान न सोना कि किसी ने गिरिया बाजारी, कर चल दिए गाड़ी में लेकर उनको व्यापारी, लिपट कर रो रहे थे शानू और सोना गले मिलकर, पड़ा औलाद वालों के लिए कम ना था मंजर, बहुत जालिम थे वो व्यापारी बच्चे जितने ले जाते, हाथ कटवा करके उनसे भीख मंगवाते, वो पहुंचे शहर में रोते बिलखते अपनी मंजिल पर, वहां का देख कर मंजर गिरी एक बिजली सी दिल पर, जो बच्चे थे वहां वो खौफ देख गर्दन झुकाए थे, Thank you.
ये मेरा ये वाकया इतना सुपरहिट हुआ था, 300 मिलियन लोगों ने सुना, पूरी दुनिया ने। अब जरा देखिए वो बच्चे कैसे कैसे थे, सुनिएगा गौर से। कोई था पांव से मासूर, कोई भूख से लाकर, किसी के दस्ते बाजू थे कटा टेढ़ा किसी का सर, किसी के मुंह में बद किरदारों ने तेजा उठाता था, किसी की आंख से बदबख्तों ने छीना उजाला था। ये हालत देखकर दिल ने बहुत घबराए, वो से लिपट कर सो गए दोनों। कोई जब रात आधी से ज्यादा खुल गई आंखें, बला का देख कर सन्नाटा उनकी तेज हुई सांसें, कहा शाम में सोना से बहन होशियार हो जाओ, यहां से भाग चलने के लिए तैयार हो जाओ। उठे चुपके से और उठे चुपके से दोनों और दरवाजे तलक आए, बहुत मुश्किल से फाटक खोल कर बाहर निकल पाए। बहुत सन्नाटा था लेकिन चले दो की दस्ते पर। पुलिस वालों ने जब देखा ये दो मासूम बच्चों को, बड़े ही प्यार से आवाज दी और रोका बच्चों को, उठाकर गोद में फिर प्यार से दोनों से ये पूछा, कहां तुम जा रहे हो से। तरुणी आंखें पुलिस वालों की अश्कों से बिठा कर जीप में दरोगा उनको थाने ले आया, उनको दिखलाया कैसा करिश्मा। यहां थाने में एसपी और एसओ दोनों बैठे थे, पड़ी जिस दम निगाहें दोनों की मासूम बच्चों पे, दरोगा से कहा बच्चे ये किसके
आलम से करूंगी, आंखें तो देखो करो पानी। इधर छापा पड़ा पकड़े गए जितने थे व्यापारी, कहां पर आया और क्या से क्या बना। अब देखिए वो बच्चा वही लड़का जब एसपी बना और सोना हिंदू और लड़का मुसलमान। अब जरा देखिए वो उसके लड़की के घर पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है सुनिए। कहा सोना ने भैया मेरी शादी होने वाली, तैयारी बना दी है। कहा शान ने ऐसा शादी में तोहफा तुझे दूंगा, दामन में तेरे खुशियों के सारे फूल भर दूंगा। कहा इसी में शान से मुझे इतनी मसरत दो, तुम अपनी बहन की इजाजत दो, तुम अपनी बहन की शादी तो करने की इजाजत दो। कहा शान ने पापा आप तो मालिक है सोना के, हमारे पास से खिदमत अगर कुछ हो बता दीजिए। कहा किसी ने शान तुमको कन्या दान करना है, बुढ़ापे पर हमारे तुमको ये एहसान करना है। कहा शान ने पापा मेरा अपना मशवरा ये है, जिंदा सोना के माता पिता उनका पता ये है। बहुत खुश होकर सीने से लगाया अपने सीने
कुछ भी रास्ते में तुम न बताना, जो रास्ता साफ सुथरा हो उसी रास्ते पे तुम जाना। पहन कर जिस्म पर वर्दी संभाली जी पुशानू ने, पहन कर जिस्म पर वर्दी संभाली जी पुशानू ने, वतन की संतु तेजी से बढ़ा दी जी पुशानू ने। बहुत खुश था नजर में उसकी बचपन का जमाना था, परिंदों की तरह उसकी नजर में आशिक बना था, परिंदों की तरह उसकी नजर में आशियाना। सोना के घर पर जो पूछा नाम रामू का, तकदीर ने पहले दिखाया माँ का ही चेहरा, लिया पहचान जब शानू ने ये सोना की माता है, उतर कर जीप से जल्दी से उनके पांव छूता है। सोना भी उतरी जीप से और छू लिए पाँव, एक मोहब्बत के बाद उसको मिली थी प्यार की छाँव। कहा शानू ने माता जी संभालो अपने सोना को, शानू और सोना अपने वतन पहुंचे। अब क्या कहते हैं अब जरा सुनिएगा गौर से। लिया जब नाम उस ममता ने अंग